हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फटाफट इंग्लिश विद अभिषेक सर। दोस्तों, इंग्लिश बोलना सीखना आपको मालूम ही है कितना जरूरी है, लेकिन इंग्लिश बोलना सीखने के लिए कई बार हमें या तो ट्रेनर नहीं मिलता या तो हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में नहीं जा सकते। तो अब आप ऐसा कर सकते हैं, आप फटाफट इंग्लिश विद अभिषेक सर यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले सारे प्रैक्टिस वीडियोस आपको सबसे पहले मिले, आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। दोस्तों, बात करते हैं पॉसिबिलिटीज की। भाई ऑफ कोर्स, जीवन में जब आप कोई भी काम करते हैं तो कई बार आप श्योर नहीं होते, जैसे आपको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, आप एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करेंगे खराब करेंगे, आज आप मार्केट जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये सारे सवाल जवाब आपको करने आने ही चाहिए, और इसके लिए प्रैक्टिस कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं इस वीडियो को कि हम इसे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो मैं अपने स्टूडेंट्स से आपको मिलवाना चाहूंगा। दिस इज रूबी मैम एंड दिस इज कुलदीप, दैट इज शोएब, ये शोएब भैया है, और ये सब हमारे स्टूडेंट्स हैं। ये आपकी हेल्प करना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश सीखकर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं, राइट? तो अब जैसे हम सवाल पूछेंगे तो हम हमेशा विल से ही बात करेंगे। अब मैं इनसे सवाल पूछूंगा और ये लोग जवाब देंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हमें कहां मे लगाना चाहिए और कहां माइट लगाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। रूबी मैम, विल यू ईट राजमा चावल टुडे? आई माइट ईट राजमा चावल टुडे। ओके, इसका मतलब घर में कोई प्रोग्राम वोग्राम राजमा चावल का है नहीं? यस सर। राइट, ओके, विल यू ईट डिनर टुनाइट? यस सर, आई मे ईट डिनर टुनाइट। आई मे, आपने कहा आई मे, इसका मतलब हो सकता है कि आप स्किप भी कर दें? यस सर। ओके, यू कैन स्किप एनी मील, कोई मतलब लंच ब्रेकफास्ट या डिनर आप स्किप कर सकती हैं? यस सर। ओके, आई कैन स्किप। तो ये कह रही है, she may take dinner tonight. Will you take dinner tonight? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, will you take dinner tonight और will you not take dinner tonight और you won't take dinner tonight? I will definitely eat dinner tonight. मैं तो आज खाने ही वाला हूं। यदि आपको लगता है कि आपकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो फिर आप कहेंगे I may, और यदि आप पक्का खाने वाले हैं तो आप कहेंगे I will definitely eat डिनर टुनाइट। लेकिन लगे कि आज तबीयत ठीक नहीं है या कुछ खराब महसूस हो रहा है तो आप कह सकते हैं आई माइट, या फिर कोई और प्रोग्राम है आपका, यू नो आज यू नो मैं तो लंच में ही इतना सब खा लूंगा कि आज मुझे डॉक्टर ने भी कहा है। तो ये आपको सोचना है कि आप विल लगाएंगे, मे लगाएंगे या माइट लगाएंगे। कुलदीप, विल यू गो टू डेली टुमारो? नो सर, आई विल नॉट गो टू डेली टुमारो। You will not go to Delhi tomorrow. आप श्योर हैं इसका मतलब? Of course, I am ready. जी, कुलदीप ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया, I won't go to Delhi tomorrow. Will you go to Delhi tomorrow? अब आप I will भी कह सकते हैं, I may, I might भी कह सकते हैं। शोएब, will you buy a shirt tomorrow? I might buy a shirt tomorrow. You might buy a shirt. May might आपने ऐसा क्यों कहा? राइट, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार मे कहना चाहते हैं माइट निकल जाता है, और कई बार इस मे माइट के कंफ्यूजन में ही हम रह जाते हैं, जैसा अभी शोएब के साथ हुआ। एक बार इनके मन में आया होगा कि मैं मे लगा दूं, फिर जल्दी से इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे माइट लगाना चाहिए, राइट? तो ऐसे ही आपके साथ भी हो सकता है, राइट? अब यू नो ऑफकोर्स वेल, यदि कोई आपसे हिंदी में ही सवाल पूछे, आप एक शर्ट खरीदेंगे कल? मैं शायद राइट, तो आप देख रहे हैं हिंदी में भी ये कंफ्यूजन होता है जो कंफ्यूजन इंग्लिश में होता है। तो यदि आप छोटी मोटी मिस्टेक कर देते हैं, दैट्स नो वरी, उसमें चिंता की कोई भी बात नहीं है। वेल मैम, विल यू बाय अ स्कूटर दिस ईयर? आई माइट बाय स्कूटर दिस ईयर। कोई प्रोग्राम है नहीं इसका मतलब, लेकिन फिर भी कहीं से कोई लॉटरी लगाई या कोई मूड बन गया किसी का देखकर? yes, तो आपने कहा आई माइट, इन्होंने कहा आई माइट बाय अ स्कूटर। और मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं भी कहूंगा आई माइट बाय अ स्कूटर दिस ईयर। सोचता हूं मैं पिछले कई साल से रहा हूं, बट आई ऑलरेडी हैव अ बाइक, तो मुझे लगता नहीं कि मैं खरीदूंगा, लेकिन मन आ गया, मन हो गया तो आई माइट बाय अ स्कूटर दिस ईयर। कुलदीप, यस सर, विल यू वॉच अ वेब सीरीज नेक्स्ट ईयर?
I might watch a web series next year, please, sir. Okay, next week, will you watch a web series next year? No, sir, I will not watch any web series next week. Next week, sorry, yes. I also said next year yes. again. So, don't you watch? Yes, sir, I don't watch web series. Okay, do you watch movies? I watch movies rarely. Rarely? Yes. So, what do you do actually? इस वीक में आप क्या करने वाले हैं? Actually, sir, I'm gonna practice a lot for practice, and I'm gonna revise my old previous classes, and I'm gonna. क्या आप इन्हें बताएंगे? मैं माइक से बता सकते हैं या फिर नहीं बात? Of course, sir. I might speak Hindi all the time this week, and I meet my friends, and I might talk over the phone too much in Hindi, and I might go to Delhi this week, or I might meet my family, and I may go to my home. Okay, right. देखा इन्होंने may और might को कैसे use किया? यदि आप भी चाहें तो घर में खाली बैठे हुए आप कुछ भी बोलते रहिए, कुछ भी. Of course, you have to go crazy. यदि आपको कुछ सीखना है तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए लोग नहीं मिलेंगे, पार्टनर्स नहीं मिलेंगे. तो या तो आप कमेंट्स में प्रैक्टिस कीजिए, या तो उसे लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, या फिर आर्टिफिशियली किसी से भी, कहीं रूम में बैठे आपने एक बॉटल अपने सामने रखी और आप बॉटल से बात कर रहे हैं, उससे ही सवाल कर रहे हैं. विल यू ईट डिनर टुनाइट? विल यू गो टू अ पार्टी टुनाइट? विल यू टेक अ बाथ टुमारो? विल यू स्पीक इंग्लिश इन योर लाइफ? राइट. तो इस तरीके से आप आर्टिफिशियली सवाल पूछ सकते हैं. अब हम शोएब से बात करेंगे. शोएब, विल यू कीप अ फास्ट टुमारो? I may keep a fast tomorrow. Okay, you may keep a fast tomorrow. वैसे आप रखते हैं व्रत? Yes, I keep fast. Right? Okay. Will you fast during Ramadan next year? Yes, I'll fast during Ramadan next year. क्या कहा आपने? Yes, I'll fast during Ramadan. देखो वो अभी उतना क्लियर नहीं आ रहा है. Yes, I'll fast during Ramadan. I'll fast. इन्होंने I और will को मिला दिया है. इन्होंने अलग अलग करके नहीं बोला. I'll fast during Ramadan. नेक्स्ट ईयर भाई, ये इस बात के लिए श्योर है क्योंकि आप जानते हैं मुस्लिम लोग जब रमजान आता है तो फिर वो फास्टिंग करते हैं. तो ही विल डेफिनेटली फास्ट ड्यूरिंग रमजान. राइट. अब हम बात कर लेते हैं मैम, जैसे कि आप अभी पढ़ रही हैं, आप पढ़ाई कर रही हैं, तो क्या लगता है, विल यू गेट अ जॉब? यस, आई मे गेट अ जॉब. I may get a job. ये अभी पूरी तरह से श्योर नहीं है, लेकिन श्योरिटी फिर भी काफी अच्छी है क्योंकि इस बारे में तो कोई भी श्योर नहीं हो सकता. लेकिन बात करें, विल यू गेट ए गवर्नमेंट जॉब? आई मे गेट ए गवर्नमेंट जॉब. कुलदीप जी, विल यू गेट ए गवर्नमेंट जॉब? नो सर, आई विल नॉट गेट एनी गवर्नमेंट जॉब बिकॉज आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दैट एंड आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट. यू डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट जॉब्स. सो गाइस, विल यू गेट ए गवर्नमेंट जॉब और विल यू डू अ प्राइवेट जॉब? मैं अपनी बात करूं, आई वॉन्ट गेट ए गवर्नमेंट जॉब. मुझे तो मिलेगी नहीं, मेरे जैसे आदमी को कौन रखेगा जॉब पर? शायद उन्हें परेशानी होगी मुझे जॉब पर रखने के बाद. क्या लगता है शोएब, विल यू गेट ए जॉब? विल यू गेट ए गवर्नमेंट जॉब? नो, आई विल नॉट गेट अ गवर्नमेंट जॉब बिकॉज आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर इट. ओके, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब? यस. ऑलराइट, सो व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर, आई वॉन्ट टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. ओके, यू वॉन्ट टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. सो विल यू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर? आई मे बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. I may become. क्यों, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो you will definitely become a software engineer. आपने may क्यों कहा बताइए ना मुझे, may क्यों कहा? Actually, I want to be a software engineer and I'm preparing for it. So, I... अच्छा, कोई आइडिया नहीं लग रहा है अभी. कुलदीप, आपने क्या डिसाइड किया? What have you decided to be? Actually, sir, I am doing BLLB, so according to my BLLB, I'll be an advocate and I'm preparing for teaching as well. I'm learning English language and I've been learning English language for a long time. I may be a teacher or I'll be an advocate as well. Okay, he will be, or he may be both, yes. A teacher as well as an advocate. So, will you be confident? Will you become confident? Ma'am, what are you preparing for? Are you preparing for anything? Yes sir, I am preparing for teaching. आप जोर से नहीं बोलती हैं. I am preparing for teaching exams. You are preparing for teaching exam. Means teaching job or teaching exam? For teaching job. Okay, for teaching job. So what do you think? Will you become a government teacher? Yes sir, I will become government teacher. All right, आपकी आवाज में confidence नहीं है, तो इससे मुझे लग रहा है you might become
गवर्नमेंट टीचर राइट. तो मुझे नहीं मालूम है कि आप लोग क्या बनेंगे और क्या नहीं बनेंगे. ऑफ कोर्स इंसान सोचता कुछ और है और होता कई बार कुछ और है, क्योंकि वो उतने मन से तैयारी नहीं करता. उतने मन से जब तैयारी हम नहीं करते, आप भी शायद वीडियो देख रहे हैं, उतने मन से आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे. नहीं तो आप चाहते तो बोलते बोलते इस वीडियो के साथ में ही प्रैक्टिस कर सकते थे. तो दोस्तों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी श्योर अबाउट व्हाट यू आर डूइंग. आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके बारे में आपको श्योर होना चाहिए. जैसे इन लोगों ने मुझसे कहा, मैडम ने कहा आई मे बिकम अ गवर्नमेंट टीचर, तो इन्हें कहना चाहिए था आई विल डेफिनेटली बिकम अ गवर्नमेंट टीचर. फिर कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि आप खुद से वादा कर चुके हैं. So will you become fluent in English? Will you become a fan of Abhishek sir? Will this video help you? आप मुझे comments में जरूर बताइए आपको हमारा ये video कैसा लगा. और यदि आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है तो ये मेरा order है. अब मुझे लग रहा है you will definitely subscribe to my channel. You will like this video and you will definitely share it with your friends. मिलते हैं आपसे फिर एक नई video के साथ. Thank you.